अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर एक्सप्रेस वे पे और यहाँ की करंट सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। ये जुम्मा गोट का इलाका है जहाँ पर 20वीं लेयर चल रही है और यहाँ मशीनें जो है वो बहुत तेज़ी से अपना वर्क कर रही हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेबर वगैरह अपना काम कर रहे हैं। और मलीर एक्सप्रेस वे पे 6 इंटरचेंज बनेंगे। इसमें सबसे पहला इंटरचेंज जो बनेगा वो कयूमाबाद के मकाम पर बनेगा, जबकि दूसरा इंटरचेंज कॉजवे के मकाम पे दूसरा इंटरचेंज बनेगा, जबकि तीसरा इंटरचेंज शाहफिजल के मकाम पे होगा। चौथा इंटरचेंज जो कि हम जहां मौजूद हैं यहां चौथा इंटरचेंज बनेगा, जो कि ओल्ड जुम्मा गोट का इलाका है। पांचवा इंटरचेंज मेमन गोट के इलाके में बनेगा, जबकि छठा इंटरचेंज दुम्बा गोट के इलाके पर होगा। और उसके बाद फिर हम काठोर के मकाम से हम M9 पे पहुँच जाएँगे। तो फ्रेंड्स चले आएँ, अब हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, आगे क्या मनाजिर हैं वो सब आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले मेरे साथ। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, मलीर एक्सप्रेस वे अब एक हाइट पकड़ चुका है। और ये देखें, मैं इस वक्त ज़मीन के लेवल पे खड़ा हूँ और जबकि ये आपको ऊपर मलीर एक्सप्रेस वे की हाइट नज़र आ रही है, तो आप फील कर सकते हैं कितनी हाइट पे पहुँच चुका है इस वक्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं कि मलीर एक्सप्रेस वे की हाइट कितनी है। और माशाल्लाह बहुत ही पुरफिजा मकाम के तौर पर ये नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मज़ीद अपडेट करते चलें कि एक्सप्रेसवे के ओल्ड जुम्मा गोट के करीब ही यहाँ रेलवे ब्रिज भी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जहाँ से ये ट्रेन्स वग़ैरह हंडी स्टेशन से कैंट स्टेशन की तरफ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे और मिलते हैं इसी तरह से किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो पे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।